तो नहीं बता सकते आपको कितनी तारीख को हम कानपुर जा रहे हैं, बाकी 25 तारीख को लेकर गए हैं। जैसे ही 15 दिन पूरा होता है वैसे हम कानपुर जा रहे हैं चिड़ियाघर, उसको देखने अगर मिलने दिया जाएगा तो उससे मिलकर आएंगे। तो कैसे सब लोग यूट्यूब पे करने का टाइम नहीं मिला, मैं सारा की वजह से अपने दोस्त के वजह बहुत परेशान हूँ, इसलिए अपडेट देने का टाइम नहीं मिला। अभी 3 दिन और बाकी हैं, 3 दिन बाद हम जाएंगे कानपुर, तो उसका क्वारंटाइन ख़त्म हो रहा है, तो देखिए मिलने देते हैं कि नहीं मिलने देते। अभी तुमको 15 दिन के लिए बोला गया था, और आप लोग दुआ कीजिएगा, आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा ताकि हम उससे मिल लें एक बार, उसके बाद फिर देखते हैं कैसे क्या होता है। और पता नहीं खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है, थोड़ा बड़ा तो खा ही रहा होगा क्योंकि भूखा कब तक रहेगा। और सब लोग दुआ कीजिएगा, यहाँ दिल्ली आए हुए हैं और क्योंकि घर में हम अकेले हैं इस वजह से कुछ काम से दिल्ली आए हुए हैं, और यहाँ भी जो मिलता है वही पूछता है कैसा है तुम्हारा दोस्त कैसा। एक समय मेरी आंख में आंसू आ गया जब एक छोटा सा लगभग 3-3.5 साल का बच्चा, 4 साल का रहा होगा, हमसे पूछे चाचू आप अपने दोस्त को नहीं लेकर आए साथ में, तो उस समय मेरी आंख में आंसू आ गया, बोले बेटा वो कानपुर चिड़ियाघर में। तो बोले वो चिड़ियाघर में क्यों ले गए उसको, बताए बच्चे नहीं समझते हैं। अब फिलहाल ऐसे देखते हैं कैसे क्या बनता है, हम चाहते हैं उसको आज़ाद कर दिया जाए, जिस तरह उसको कैद करके रखा गया हुआ है क्वारंटीन में, उसको आज़ाद कर दिया जाए। इससे 15 दिन का क्वारंटाइन टाइम पूरा होने वाला है, बस 3 दिन बाकी है, तो जैसे ही पूरा होगा, क्योंकि 25 तारीख को उसको लेकर गए थे कानपुर, और 25 तारीख से 15 तारीख घर में रखा गया हुआ है, मेरे घर से लगभग 200 किलोमीटर दूर होगा, तो काफ़ी दूर भी है वहाँ जाना। फिलहाल दूरी तो कोई बात नहीं, चाहे जितनी दूर होता वो तो हम जाएंगे ही, हमको अगर रोज़ मिलने दिया जाए तो हम रोज़ मिलें उससे जाके, पर अभी मजबूरी है, कुछ नियम है वन विभाग के कानपुर चिड़ियाघर के या वाइल्ड लाइफ के, कि उस नियम का पालन करते हुए जैसे भी जो होगा वो करेंगे, और एक बार बस मिल लें उससे तो देखते हैं कैसा है कैसा नहीं। परेशान लगता है क्योंकि सीधी सीसीटीवी कैमरे में जब देखते हैं तो हमको तो परेशान दिखाई देता है। रोज़ जो घर पे रहता था तो जंगल वंगल जाया करता था उड़ के अपने परिवार से मिल, उसको भी काफ़ी दिन हो गए अपने परिवार से मिले हुए, तो वो भी काफ़ी परेशान होगा, एक बार उसको परिवार की याद भी आ रही होगी। परेशान रहते हैं, इतना प्यार करते हैं हमसे और अच्छी से दोस्ती से हमारी इतना प्यार करते हैं, तो अपलोड भी देना ज़रूरी है, और फिर जैसे भी होगा हम आप लोग को बताते रहेंगे। फिलहाल आप लोग दुआ करिए, जो बड़े हैं आशीर्वाद दें कि जल्दी से जल्द हम दोनों लोग मिल जाएं, और फिर उसके चेहरे पे जो खुशी होगी वो हम दिखाएंगे आपको, इसका रिकॉर्ड करेंगे। तो और बाकी आप लोग फिलहाल अभी दुआ कीजिए कि जल्दी से वो ठीक सब ठीक हो जाए और मिल जाए हमसे एक बार वो। तो क्या बताएं, कुछ बोलने को समझ में नहीं आता उसके जाने के बाद, क्या बोलें कैसे क्या करें। जब जाएंगे कानपुर तो उससे मिलेंगे, तो देखते हैं फिर कैसे क्या होता है। अभी आप लोग दुआ कीजिए, बस मिलने दिया जाए हमसे एक बार उसको, एक बार मिलने दिया जाए, क्योंकि अभी कोई क्लियर नहीं है मिलने दिया जाए कि ना दिया जाए। बोले तो हैं 15 दिन बाद आइएगा, 15 दिन 4 दिन बाद पूरा हो जाएगा, तो फिर कैसे क्या होगा हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि वो मिल जाए किसी तरह हमको, एक बार मिलने दिया जाए और उसको आज़ाद कर दिया जाए। सकते आपको कितनी तारीख को हम कानपुर जा रहे हैं, बाकी 25 तारीख को लेकर गए हैं, जैसे ही 15 दिन पूरा होता है वैसे हम कानपुर जा रहे हैं चिड़ियाघर, उसको देखने अगर मिलने दिया जाएगा तो उससे मिलकर आएंगे। और सब लोग सपोर्ट कीजिए जैसे अभी तक करते आए हैं, ताकि वो जल्द से जल्द हमको मिल जाए। बाहर चला गया था तो 2 दिन बाद लौटा था, तो वो बहुत मतलब परेशान हो रहा था। आज तो उसको 21 तारीख को गए हैं लेकर, आज 6 या 7 तारीख को भी हो जाते हैं, तो कितना परेशान होगा एक बार मिल के, उसके दिल को जितना खुशी मिलेगी ये वही समझ सकता है, या तो हम समझ सकते हैं, आप लोग भी समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी इतना प्यार करते हैं उससे और हमसे। तो प्लीज़ हम तो हर बार यही कहना चाहेंगे, प्लीज़ एक बार सपोर्ट कीजिए आप लोग, प्लीज़ जैसे प्यार आप लोग कर रहे हैं वैसे ही प्यार करते रहिए, नहीं तो अकेले हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, तरह तरह के लोग बातें करते हैं, और तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।